डी क्लास एट साइंस चैप्टर सेवन कम्बशन का ये सेकंड पार्ट है इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था डी स्टूडेंट चैनल पर मैथ हिंदी साइंस सोशल साइंस संस्कृत इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले को चेक कीजिए तो सेकेंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं टाइप ऑफ कम्बशन की कम्बशन कितनी तरह का होता है डी स्टूडेंट आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है और चैप्टर को समझने की कोशिश करनी है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा तो सबसे पहला जो टाइप है कम्बस्चन की वो है स्लो कम्बस्शन स्लो कम्बस्शन क्या होता है ये जो धीरे धीरे होता है उसको स्लो कम्बस्शन कह देंगे वैन ए कम्बस्टिबल मटेरियल बर्न एट ए स्लो और मॉडरेट रेट इट्स कम्बस्चन इज़ कॉल्ड स्लो कम्बस्शन अगर कोई मटेरियल धीरे धीरे जले ठीक है या मॉडरेट रेट से चले या यानी कि ज़्यादा तेज ना जले तो उसकी स्पीड कम हो जलने की तो ऐसे कम्बस्चन को हम स्लो कम्बस्शन बोलेंगे स्लो कम्बस्चन यूजली ऑकर वैन देर इज़ एन इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर स्लो कम्बस्चन तब होता है अधिकतर जब सप्लाई ऑफ एयर ठीक से नहीं होती यानी कि उस मटेरियल को जो ऑक्सीजन है वो सही ढंग से नहीं मिलती जलने के लिए देर फॉर सच ए कम्बस्टन नेवर गेट्स रेली कम्प्लीटिड इस ये यानी कि ये जो कम्बस्शन होता है ये कभी भी कम्प्लीट नहीं होता यानी कि इसमें जो मटीरियल होता है वो पूरी तरह से नहीं जलता बर्निंग ऑफ काउडंग केक्स, वुड एट्सट्रा आर एग्ज़ैम्पल ऑफ स्लो कम्बस्शन बर्निंग ऑफ काउडंग केक्स यानी कि जो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उनको अगर जलाया जाए लकड़ी को अगर जलाया जाए तो ये एग्जाम्पल है स्लो कम्बस्शन के अब नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड कम्बस्शन रैपिड का मतलब होता है जो तेजी से हो वैन ए कम्बस्टेबल सब्सटांस बर्न एट ए फास्ट रेट इट्स कम्बस्टन इज कॉल्ड रैपिड कम्बस्चन जब एक कम्बस्टेबल सब्सटेंस बड़ी तेजी से जलता है तो इस को हम क्या बोलेंगे रैपिड कम्बस्शन बोलेंगे गैसियज फ्यूल्स जनरली अंडरगो रैपिड कंज जो गैसेस फ्यूल होता है जो गैसें होती है, ठीक है वो बड़ी ही तेजी के साथ जलती हैं उनमें रैपिड कम्बस्चन होता है रैपिड कम्बस्चन ऑकर्स वैन देर इज़ ए सोफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर जो रैपिड कम्बस्टन तब होता है जब बहुत अच्छे सुफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर होती है द कम्बस्चन इज़ इन सच केसेस इज़ कम्प्लीट और इन केसेस में जो कम्बस्चन है वो क्या होता है बिल्कुल कंप्लीट होता है यानी कि जो गैसेस जो फ्यूल है वो पूरी तरह से जल जाती हैं नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉन्टेनियस कंबस्शन व्हेन ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर ऑन इट्स ऑन इवन एट रूम टेम्परेचर इट्स कंबस्शन इज़ रेफर टू ए स्पोन्टेनियस कम्बस्शन देखो जब एक सब्सटेंस क्या करेगा अपने आप ही आग उसमें लग जाएगी कोई लगाएगा नहीं आग अपने आप ही आग लग जाएगी अगर वो रूम टेम्परेचर पे जैसे कोई चीज़ रूम टेम्परेचर टेम्परेचर पर रखी है और उसमें अपने आप ही आग लग रही है तो ऐसा जो कम्बशन होगा उसको स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोलेंगे ए पीस ऑफ वाइट फॉस्फोरस और ए पीस ऑफ सोडियम मेटल आर ऑब्जर्व टू अंडर गो स्पॉन्टेनियस कम्बशन वैन कैप्टन एयर देखो कुछ मटीरियल ऐसे हैं जिसमें ऐसा होता है जैसे कि फॉस्फोरस है वाइट फॉस्फोरस है और सोडियम मेटल है अगर उसको एयर में रखा जाए रूम टेम्परेचर पर रखा जाए तो उसमें कम्बशन होता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन होता है आगे आया हमारे पास नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव कम्बशन एक्सप्लोजिव देखो उसमें क्या होता है वैन ए मिक्सचर ऑफ ए कम्बस्ट कम्बस्टेबल मटीरियल एंड एयर बर्न कम्प्लीटली इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन ए क्लोज स्पेस एंड एक्सप्लोजिव कम्बस्ट टेक प्लेस वेन ए मिक्सचर ऑफ जब एक कम्बस्टेबल मटीरियल का आप कह सकते हैं मिक्सचर है कोई जब एयर में जो वो कम्प्लीटली बर्न होता है बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम यानी कि बहुत ही कम समय में ठीक है और क्लोज स्पेस में तो ऐसे कम्बस्शन को एक्सप्लोजिव कम कम्बस्शन बोलेंगे द कम्बस्टिबल मटीरियल इन सच ए केस बर्न अनकट्रो ये अनकंट्रोल ऐसे बर्न करता है इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर एंड रिलीजिज ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देखो ये जो मटीरियल होता है इस केस में बिल्कुल एकदम कंट्रोल के बाहर यानी कि इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता एकदम बड़ी तेजी से जलता है इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर यानी कि एयर इसको चाहिए फ्री सप्लाई ऑफ एयर चाहिए और फिर क्या होता है रिलीज इज़ ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ़ हीट और इस इस कंबशन में बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है दिस ऑफन प्रोड्यूस द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन और इसमें अधिकतर एक धमाके की आवाज़ भी आती है आप एग्जाम्पल लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल वेन ए क्रैकर इज़ ए इग्नाइटेड ए सडन एंड रैपिड रिएक्शन टेक प्लेस एज ए रिजल्ट देयर इज़ एन एवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड एनर्जी जैसे आप एक क्रैकर यानी कि जब पटाखे को जब आप आग लगाओगे उसको तो वो एकदम से उसमें सडन बड़ी तेज़ी से उसमें रिएक्शन होती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि पटाखे से हीट लाइट और साउंड ये तीनों चीज़ें निकलती हैं ठीक है हीट एनर्जी लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी ये तीनों निकलती हैं एक साथ ए रिएक्शन अकोपेंकम्पेंट बाय एन एक्सप्लोजिव साउंड इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजन ठीक है एक्सप्लोजन को क्या कहेंगे कि भाई एक रिएक्शन हो जिसमें साथ में क्या हो एक साउंड भी आए ठीक है धमाके की आवाज़ भी आए उसको हम क्या बोलते हैं एक्सप्लोजन बोलते हैं यानी कि एक्सप्लोजिव कम्बस्चन क्या होता है जिसमें क्या हो बड़ी तेजी से हो जो ठीक है जिसमें लाइट भी प्रोड्यूस हो हीट भी प्रोड्यूस हो और साउंड भी प्रोड्यूस हो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फायर कंट्रोल कि हम आग को किस तरह से कंट्रोल में करेंगे वी हैव नाउ लर्न डैट कम्बस्चन टेक प्लेस ओनली इफ देर इज़ ए कम्बस्टिबल मटीरियल देखो कम्बशन कब होगा आग कब लगेगी जब सबसे पहले क्या होगा कम्बस्टिबल मटेरियल होगा वो होना चाहिए जिसमें आग लगेगी जैसे कि लकड़ी है ठीक है आग लगानी है तो लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि लकड़ी क्या है कम्बस्टिबल सब्सटेंस है कोई पेट्रोल वगैरह है वो भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस है सबसे पहले हमें क्या चाहिए मटेरियल चाहिए ठीक है कम्बस्टन तब होगा जब मटीरियल होगा कम्बस्टेबल मटीरियल होगा दूसरा क्या है देयर इज़ ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर जो एयर की सप्लाई वो लगातार मिलनी चाहिए तीसरा क्या है द टेम्परेचर ऑफ कम्बस्टिबल मटेरियल इज़ हाइर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर और जो कम्बस्टिबल मटेरियल है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए ये आप पढ़ चुके हो पहले भी अब इफ़ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती इन तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कम्बसन विल नॉट टेक प्लेस कम्बशन नहीं होगा दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन फायर फाइटिंग यही प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए ठीक है या तो आप इसको हटा दो कम्बस्टिबल मटीरियल को हटा दो या फिर एयर सप्लाई को हटा दो या फिर आप जो उसका टेम्परेचर है कम्बस्टेबल जो मटेरियल का टेम्परेचर है वह इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दो इन तीनों में से कुछ करोगे आप तो आग बुझ सकती है इन एनी काइंड ऑफ फायर इट इज़ सम कम्बस्टेबल मटेरियल विच कैचिज़ फायर किसी भी तरह की आग में कुछ ना कुछ कम्बस्टेबल मटेरियल होता है जो आग पकड़ता है वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस सो डैट द रेलिवेंट कम्बस्टेबल सब्सटेंस डज नॉट गेट हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर हमें इस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए कि जो भी कम्बस्टिबल सबस्टांस है उसका जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं होना चाहिए कि वो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा पहुंच जाए या उसके तक पहुंच जाए प्लेसेस लाइक पेट्रोल स्टेशन हैव हाईली कम्बस्टबल सबस्टांसिज लाइक पेट्रोल डीजल एट्सट्रा जैसे कि पेट्रोल स्टेशन होते हैं पेट्रोल पम्प वगैरह होते हैं वहाँ पर हाईली कम्बस्टेबल सबस्टांस होते हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल ठीक है यानी कि उन पर जल्दी आग लग जाती है नो नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटीरियल विद इन द द्रीमिस ऑफ सच प्लेसिस वो ऐसी जगह पर जैसे पेट्रोल पम्प वगैरह है तो कोई भी अलाउड किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता वहाँ पर कि वो कोई ऐसा बर्निंग मटीरियल वहाँ पर लेके जाए जिसमें जल्दी जैसे कि माचिस है या बी डी सिगरेट कोई जलाए वहाँ पर वो मनाही होती है इवन ए बर्निंग मैस्टिक कैन इग्नाइट पेट्रोल वेपर्स तो एक छोटी सी अगर आप माचिस लें जलती हुई माचिस की तिल्ली भी इग्नाइट कर सकती है पेट्रोल वेपर्स को यानी कि उसमें पेट्रोल में आग लगा सकती है द सेम प्रिकॉशन शुड बी टेकन ऐट एल पी जी गोडाउन फायर क्रैकर फैक्ट्रीज एम्यूनीशन डिपो एंड ईवन ऐट आवर होम और यही जो प्रिकॉशन है यही सावधानियाँ हमें एल पी जी जो गोडाउन होता है वहाँ पर फायर क्रैकर जहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनती हैं पटाखे वगैरह बनते हैं वहाँ पर या जहाँ पर गोला बारूद रखा होता है या फिर हम अपने घर में भी इन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल वी नीड टू टेक केयर वाइल यूजिंग ए बर्निंग कैंडल इन द हाउस ड्यूरिंग टाइम ऑफ पावर फेलियर एग्ज़ाम्पल दिया है जिस तरह से मान लो कई बार पावर फेलियर हो जाता है लाइट नहीं रहती लाइट चली जाती है तो हम बर्निंग कैंडल का यूज़ करते हैं मगर हमें बर्निंग कैंडल का अगर यूज़ करने हैं तो हमें उसको केयरफुली उसका यूज़ करना चाहिए कि कहीं गलती से कोई दुर्घटना ना हो जाए आग वगैरह ना लग जाए नेक्स्ट है हमारे पास ए फायर डैट हैज स्टार्टेड कैन बी एक्सटिंग बाय आइदर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ़ कम्बस्टेबल सब्सटांस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर अगर कहीं पर आग लग जाती है स्टार्ट हो जाती है तो उसको कैसे बुझाया जा सकता है या तो जो एयर की सप्लाई है उसको कट कर दो यानी कि उस तक हवा ना पहुंचने दो दूसरा क्या है जो उस कम्बस्टिबल सब्सटेंस है उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल इसने इसने एग्ज़ाम्पल दिया कैसे इफ़ द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर द पर्सन शुड बी इमिडिएटली रैप्ड इन ए थिक ब्लैंकेट फॉर अगर एग्ज़ाम्पल दिया उसने अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है किसी पर्सन के ठीक है उसके ऊपर आग लग जाती है तो उसको ब्लैंकेट से हमें एक मोटे ब्लैंकेट से उसको लपेट देना चाहिए उस पर्सन को तो उसकी आग बुझ जाएगी दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर विल स्टॉप डाउन या डाई डाउन तो कंबल जो हमने लपेटा है वो कंबल के कारण मोटे कंबल के कारण जो सप्लाई ऑफ एयर है वो कट ऑफ हो जाएगी और आग बुझ जाएगी सैंड कैन बी यूज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर इन केस ऑफ फायर प्रोड्यूस्ड बाय कैरोसिन पेट्रोल एट्सट्रा ऐसी अगर किसी कारण से कैरोसिन से या पेट्रोल की वजह से आग लगी हुई है तो हम उस पर क्या गेरेंगे रेत गेरेंगे रेत गिरने से जो सैंड गिरने से एयर की सप्लाई कट हो जाएगी और आग बुझ जाएगी वाटर कैन आल्सो भी बॉर्ड ओवर द बर्निंग मटीरियल टू लोअर इट्स टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर और कई बार ऐसी आग होती है जहाँ पे हम पानी गेर कर भी उस टेम्परेचर को हम क्या कर देते हैं उसके जो मटेरियल के इग्निशन टेम्परेचर को हम कम कर देते हैं उससे भी आग बुझाने में मदद मिलती है हाओ एवर वाटर शुड नॉट बी यूज टू एक्स एक्सटिंग फायर कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट दिस कैन कॉज डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक्स और जबकि इसका आपको ध्यान रखना है अगर वा जो आग लगी है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया उसके कारण लगी है तब हमें पानी नहीं गिराना चाहिए क्योंकि अगर हम पानी गिराएंगे तो आपको पता है जो गीला हो जाएगा और पानी से बिजली पास हो सकती है करंट पास हो सकता है हमें क्या लग सकता है ये डेंजरस हो सकता है हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट बिजली का झटका लग सकता है तो इसलिए जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगे वहाँ पर पानी नहीं गिराना चाहिए ए फायर कॉज्ड बाय ऑयल और गैस नीड टू बी एक्सटिंग बाय यूजिंग ए कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग अगर कोई आग ऑयल से या गैस के कारण लगी है तो उसको बुझाने के लिए क्या करना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो आग बुझाने के लिए एक होता है ए, फायर एक्सटिंग्विशर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका यूज़ करना चाहिए अगर आग ऑयल या गैस से के कारण लगी है अब हम ये देख लेते हैं डू यू नो ए सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर वर्क इन द फॉलोइंग मैनर ये देख रखा ये दे रक, ये दे, र, ये दे है हमें एक आग बुझाने का यंत्र ये ये कैसे काम करता है ये सोडा एसिड टाइप है इट कंटेंस एन एसिड इन ए ग्लास बोटल एंड सोलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आउटसाइड इट ये जो ग्लास की देखो जिस ग्लास ट्यूब ये जो ग्लास की ट्यूब है इसके अंदर क्या चीज़ है इसके अंदर है एसिड है, है इसके अंदर और सोडियम और सोलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आउटसाइड और इसके बाहर क्या है ये चीज़ है सोडियम सोलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और स्ट्राइकिंग द फायर एक्सटिंग्लिशर अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस अगर इसको एक हार्ड सरफेस पे इसको स्ट्राइक करें मारें इसको तो फिर क्या होता है द ग्लास बोटल ब्रेक्स जो ग्लास की बोटल है ये वाली जो बोतल है ग्लास की वो टूट जाती है एंड द एसिड मिक्स विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो एसिड है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिक्स हो जाता है द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स तो फिर ये रिएक्शन होती है उन दोनों में और फिर ये 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 और ये चीज़ें बनती हैं यानी कि हमें क्या तो? चाहिए मेन तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए द सी ओ टू गैस बींग हैवियर देन ऑक्सीजन जो सी ई टू गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है ऑक्सीजन से भारी होती है कवर्स द बर्निंग ऑब्जेक्ट लाइक ए ब्लैंकेट जो जलता हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको एक कंबल की तरह ये ढक लेती है ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड सीन्स द सेंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर गेट्स कंट्रोल क्योंकि जो फ्यूल और ऑक्सीजन फ्यूल कॉन्टैक्ट किस किस के बीच में फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो कट ऑफ हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और आ को कंट्रोल आ कंट्रोल हो जाती है आल्सो सी ओ टू वैन रिलीज फ्राम द सिलेंडर एक्सपैंड एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन और दूसरा इसका गुण क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का ये जब गैस निकलती है रिलीज होती है तो ये फैलती है सिलेंडर से बाहर निकलती है तो फैलती है और फैल कर ये क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है ठंडी होकर नीचे आ जाती है सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर्म ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर इट आल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल तो ये जो गैस है ये ना सिर्फ़ एक कंबल की तरह काम करती है ठीक है आ, आग के ऊपर एक कंबल की तरह काम करती है बल्कि जो ये जो फ्यूल का जो टेम्परेचर है उसको भी ये कम कर देती है इट इज़ देर फॉर एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग इसलिए ये बहुत ही आ, अच्छा आग बुझाने का आप कह सकते हैं यंत्र है तरीक़ा है ठीक है नेक्स्ट में भी हमें ये दे रखा है डू यू नो दे रखा है इन द फायर इफ़ द फायर इज़ कोज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से फायर लग जाए आग लग जाए इट शुड नॉट बी एक्सटिंग बाय पावरिंग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म तो उस पर ना तो पानी घेरना चाहिए और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म घेरना चाहिए इट इज़ बिकॉज आगे इसने कारण बताया क्यों इट इज़ बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू वाटर देयर बाय गिविंग ए स्वीयर इलेक्ट्रिक शॉप विच मे प्रूव फैटल इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पानी में से पास हो सकता है और क्या मिल सकता है एक झटका लग सकता है हमें जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है इन सच के सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुड भी स्विच ऑफ एंड फायर ब्रिगेड शुड बी कॉल्ड इमीडिएटली ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई है इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई है बटन वगैरह है उसको बंद कर देना चाहिए यानी कि स्विच ऑफ़ कर देना चाहिए जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है इलेक्ट्रिक करंट है उसकी सप्लाई को स्विच ऑफ कर देना चाहिए और तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए फायर ब्रिगेड तो आपको पता है आग बुझाने के लिए जो लोग आते हैं उनको बुलाना चाहिए नेक्स्ट हमारे पास वट हैपन्स वैन देर इज़ इनकम्प्लीट कम्बस्शन तब क्या होता है जब एक इनकम्प्लीट कम्बस्शन होती है यानी कि जब कम्पस्शन कम्प्लीट नहीं होती तो क्या क्या होता है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बस्शन क्या होता है ए पार्ट ऑफ द अनब्रंट कार्बन पासिस इंटू द एटमोस्फियर इन द फॉर्म ऑफ शूट दिस इज नॉट ओनली वेस्ट द फ्यूल बट आल्सो पोल्यूट द एटमोस्फियर जब अगर पूरा कम्बसचन ना हो इनकम्प्लीट कम्बशस्शन हो तो अनब्रंट कार्बन पासिस जो बिना जला हुआ जो कार्बन है ठीक है वो एटमोसफियर में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ शूट शूट का मतलब होती है कालिक ठीक है काला काला सा होता है जो आप देखते होंगे वो एटमोसफियर में आ जाता है दिस इज नॉट इस शूट के कारण तो ये जो फ्यूल है वो वेस्ट हो जाता है और दूसरा क्या होता है हमारा जो एटमोसफियर है वो भी पोल्यूट हो जाता है प्रदूषित हो जाता है दूसरा क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड और अगर बुरा ना जले इनकम्प्लीट कम्बशस्चन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है दिस गैस इज़ हाईली पॉइजनस एंड कोजिज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ये जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही जहरीली गैस है और इससे सा सांस से संबंधित बीमारियाँ होती हैं इट मे आल्सो प्रूव टू बी फैटर ये भी आ, आपके लिए घातक हो सकती है ठीक है ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये बहुत ही घातक होती है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्लेम अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे फ्लेम में भी डिफाइंड एज द रीज़न ओवर विच gases बर्न फ्लेम आप कह सकते हैं ये ऐसा रीज़न है जिसमें गैसेस जलती हैं वैन यू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और ए वैक्स कैंडल ए फ्लेम इज़ प्रोड्यूस्ड जब आप एक मोमबत्ती को जलाते हैं ठीक है वैक्स की मोमबत्ती को जलाते हैं या फिर एक पीस ऑफ पेपर को जलाते हैं तो फ्लेम बनती है देखो ये दिखा रखी है फ्लेम ये जो ज्वाला है ठीक है जो आपको दिखती है वो क्या है फ्लेम है और ऑब्जर्विंग द फ्लेम ऑफ लाइटेड कैंडल केयरफुली वी फाइंड डैट इट हैज़ थ्री जोन्स अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती को देखें ध्यान से देखें ठीक है तो हम देखते हैं कि इसके कितने जोन बन रहे हैं इसमें थ्री जोन्स बन रहे हैं अब इन्हीं थ्री जोन्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा जोन है इनर मोस्ट जोन जब एक मोमबत्ती का देखेंगे जलती हुई मोमबत्ती का इनर मोस्ट जोन वो कौन सा होता है द जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्नड वैक्स वेपर गिवन ऑफ बाय द मोल्टन वैक्स इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम देखो इनर ये है इनर मोस्ट जोन ये वाला जोन है जो ये वाला जोन है जो वो क्या है इनर मोस्ट जोन है दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनब्रंट वैक्स वेपर जो वैक्स होता है जो ये मोम है उसके यहाँ पर क्या होते हैं वेपर होता है, है बिना जले हुई ठीक है देखो मोमबत्ती जलती कैसे है जो जब हम इसको आग लगाते हैं तो मोम के पहले वेपर बनते हैं फिर वो वेपर जलते हैं ठीक है मोम के वेपर बनते हैं वेपर जलते हैं ऐसे मोमबत्ती जलती है तो इस जोन में जो इनर मोस्ट जोन है उसमें अनब्रंट बिना जले हुए वैक्स के वेपर होते हैं ठीक है इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम ये इस फ्लेम का सबसे ठंडा पार्ट होता है ठीक है समझ गए अब देखो दूसरा दूसरा है मिडल जोन और ल्यूमिनस जोन मिडल जोन ये वाला है ये वाला जोन क्या है मिडल जोन है दिस इन दिस जोन पार्शल कम्बशन ऑफ वैक्स वेपर टेक प्लेस विद द लिब्रेशन ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी इसमें क्या होता है पार्शल कम्बस्शन होता है वैक्स वेपर का ठीक है पूरी तरह से नहीं जलते अध जले आप क्या सकते हो कि इसमें पार्शल कम्बस्शन होता है और इसमें फिर क्या निकलती है लॉट ऑफ एनर्जी बहुत सारी एनर्जी निकलती है उनके कम्बस्शन से पार्शियल कम्बस्शन से मोम के दिस एनर्जी पार्टली डिकम्पोज द वैक्स वेपर इन कार्बन पार्टिकल और इस एनर्जी के कारण जो वैक्स वेपर है वो किस में डिकम्पोज हो जाते हैं कार्बन पार्टिकल में डिकम्पोज हो जाते हैं दिस जोन ऑफ द फ्लेम इज़ होटर दैन द डार्क इनर जोन इट इज़ येलो इन कलर और ये वाला जो जोन जो 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 होता है ये जो से मिडल जोन है ये इस वाले जोन से नीचे वाले जोन से इनर मस्ट जोन से क्या होता है गर्म होता है उससे ज़्यादा गर्म होता है आ, एंड इट इज़ येलो इन कलर और ये पीले रंग का होता है आप देख रहे हो ये किस रंग का होता है पीले रंग का होता है नेक्स्ट जो, जो जोन है हमारे पास थर्ड है द आउटर मोस्ट जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन इट इज़ ए जोन ऑफ कम्प्लीट कम्बशन ऑफ वैक्स वेपर एंड कार्बन पार्टिकल इस जोन में क्या होता है कम्प्लीट कम्बस्शन होता है वैक्स वेपर का पूरी तरह से कम्बस्चन हो जाता है वैक्स uh, वेपर का और कार्बन पार्टिकल का द एयर फ्राम द साइड ऑफ द फ्लेम मिक्सद मिक्सिस विद अनब्रंट वैक्स वेपर्स एंड कार्बन पार्टिकल्स एंड बर्न दैम कम्प्लीटली टू फॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर इसमें क्या होता है जो साइड से एयर आती है ठीक है मिक्स हो जाती है अनब्रंट वैक्स बिना जले जो वैक्स वेपर हैं उनके साथ मिक्स हो जाती है और कार्बन पार पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाती है और फिर उस एयर के कारण वो पूरी तरह से कंप्लीटली जल जाते हैं वैक्स वेपर और उसका कम्बसचन कम्प्लीट हो जाता है वैक्स वेपर और कार्बन पार्टिकल का फिर क्या बनता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड उससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर वेपर बनते हैं इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम और ये सबसे गर्म पार्ट होता है फ्लेम का ठीक है तो ये वाला जो बाहर वाला है ये वाला जो है बाहर वाला ठीक है ये आउटर जोन है ठीक है ये सबसे होटेस्ट होता है ठीक है समझ गए अब नेक्स्ट है हमारे पास लेट परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स वेपर इन इनर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम अब एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता लगेगा इनर मोस्ट जो इनर मोस्ट जोन होता है कैंडल फ्लेम का उसमें वैक्स वेपर होते हैं कैसे हम पता लगाएंगे एक्टिविटी फोर टेक के कैंडल ऑफ मीडियम साइज एंड फिक्स इट ऑन टेबल एक मीडियम साइज़ की मोमबत्ती लो कैंडल लो और उसको क्या कर दो आप फिक्स कर दो टेबल पर लाइट द कैंडल मोमबत्ती को जलाओ वन द फ्लेम ऑफ द कैंडल बिकम्स स्टेडी जब उस फ्लेम बिल्कुल स्टेडी हो जाए इंट्रोड्यूस थिन ग्लास ट्यूब इन द डार्क जोन डार्क इनर जो ऑफ जोन एश यहाँ पर फिर आपने क्या करना है जो इसका डार्क जोन है उसमें एक जो ग्लास की ट्यूब आपने इंट्रोड्यूस करनी है यहाँ पे लगानी है ऐसे ठीक है यू विल नोटिस डैट ग्लास ट्यूब गैट्स फील्ड विद ग्रेइश वाइट वेपर आप देखोगे कि इसमें इस ट्यूब में ग्रेइस वाइट वेपर्स आ जाएंगे ठीक है ग्रेइस वाइट वेपर्स आ जाएंगे किसके हैं वो वैक्स के विच स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब देखो ये वाला एंड है ये दूसरा एंड है ग्लास ट्यूब का वो यहाँ से बाहर आते आपको नजर आएंगे और किस रंग के होंगे ग्रे ग्रेस वाइट वेपर्स होंगे वो नाव ब्रिंग ए बर्निंग स्टिक नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब अब यहाँ पे आपने क्या करना है एक बर्निंग मैच्टिक जल, जलती हुई तिली यहाँ पर यहाँ इसके यहाँ पर लेकर आओ आप ठीक है तो क्या होगा यू विल ऑब्जर्व डैट द वेपर्स कैच फायर एंड बर्न प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम सिमिलर टू डैट ऑफ द कैंडल फ्लेम आप देखोगे कि ये जो वैक्स के व्यापर हैं ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर मोमबत्ती जल रही है वैसे यहाँ पर भी ये वैक्स के व्यापार जलने शुरू हो जाएंगे तो इससे हमें पता लग गया कि भाई इस पार्ट में क्या होते हैं वैक्स के जो व्यापर होते हैं दिस शोज़ डैट वैक्स व्यापर आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि जो इनर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का कैंडल का उसमें क्या होता है वैक्स वेपर होते हैं लेट अस नेक्स्ट परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो डेट द लूमिनियस जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम कंटेंस अनबर्न पार्टिकल ऑफ कार्बन अब हम ये एक्टिविटी करेंगे कि जो लूमिनेस जोन होता है यानी कि जो मिडल जोन होता है उसमें कार्बन के अनबर्न पार्टिकल होते हैं ठीक है अब ये एक्टिविटी हम देखते हैं एक्टिविटी फाइव टेक ए कैंडल एन फिक्स इट ऑन ए टेबल एक कैंडल लो और उसको टेबल पर रख दो लाइट द कैंडल ना इंट्रोड्यूस मोमबत्ती को जलाओ नाउ इंट्रोड्यूस ए क्लियर ग्लास स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम एक ग्लास की स्लाइड ऐसे इसके ऊपर रख दो बाय होल्डिंग इट विद ए टोंग इसको एक चिमटे से चिमटे वगैरह से ऐसे होल्ड करके इसको इसके ऊपर रखो होल्ड द साइड इन द सेम पोजिशन फॉर अबाउट फोर्टी सेकेंड एंड देन रिमूव इट ठीक है हम इसको कम से कम चालीस सेकेंड तक रखेंगे और फिर इसको हटा लेंगे यू विल ऑब्जर्व ए सर्कुलर ग्रेस ब्लैक रिंग फॉर्म ऑन द ग्लास स्लाइड इन विच देर इज़ नो डेपोजिशन इन द मिडल ऑफ द रिंग आपको इस तरह से दिखेगा ठीक है इस तरह से काला सा धब्बा दिखेगा और बीच में आपको वाइट दिखेगा द ब्लैक डेपोजिशन इज़ ड्यू टू द अनब्रंट कार्बन पार्टिकल इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम जो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है वो क्या है अनब्रंट पार्टिकल वहाँ पर जमे जमा हो गए हैं देंटर ऑफ द रिंग डज नॉट हैव एनी कार्बन पार्टिकल और इसके सेंटर में क्या है ये वाइट है कोई कार्बन पार्टिकल नहीं है बिकॉज दिस पार्ट वॉज ओवर द डार्क इनर जोन क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो डार्क इनर जोन के ऊपर था विच डज नॉट हैव अनब्रंट कार्बन पार्टिकल क्योंकि ये डार्क इनर जोन के ऊपर था इसलिए इसमें आपको पता है डन डार्क इनर जोन में अनब्रंट कार्बन पार्टिकल नहीं होते उसमें तो सिर्फ क्या होती है वैक्स वेपर होते हैं लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो डैट द नॉन लूमिनियस आउटर जोन है इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम अब हम ये एक्टिविटी करेंगे कि जो बाहर वाला जो होता है आउटर पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है एक्टिविटी सिक्स होट होल्ड ए थिन एंड लॉन्ग कॉपर वायर अक्रॉस द कैंडल फ्लेम एक आपने क्या करना है कैंडल फ्लेम में एक लॉन्ग कॉपर वायर लेनी है ठीक है फॉर अबाउट थर्टी सेकेंड तीस सेकेंड के लिए उस पर रखनी है ठीक है यू विल नोटिस डैट कॉपर वायर गेट्स रेड हॉट इन द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम जब आपने कॉपर वायर को यहाँ रखा ठीक है यहाँ रखा जब आपने कुपर फायर को तो थोड़ी सी देर के बाद तीस सेकेंड के बाद वो एकदम से लाल हो जाएगी ठीक है इट इज़ जस्ट गेट ब्लैक एंड इन द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम और अगर आप यहाँ पे रखोगे इसको कॉपर वायर को तो ये क्या होगी ब्लैक हो जाएगी ठीक है क्योंकि यहाँ पे अनब्रन पार्टिकल है कार्बन के ठीक है और यहाँ पे रखोगे बाहर वाले पार्ट में रखोगे तो वो लाल हो जाएगी वो काली नहीं होगी ठीक है दिस ऑबज़र्वेशन शो डेट द आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम इज़ होटेस्ट जोन इससे हमें ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि जो ये लाल हो गई थी वो क्यों हो गई गर्मी के कारण लाल हो गई थी क्योंकि ये हॉटेस्ट था दिस ऑब्जरवेशन ये बताती है कि आउटर मोस्ट जो है नॉन ल्यूमिनियस जोन वो क्या होता है हॉटेस्ट हो होता है हॉटस्ट हो जोन होता है नेक्स्ट है हमारे पास Do you know goldsmith while shaping gold into ornament direct direct the non-luminous part of the flame of a lamp on the gold with the help of metallic blow pipe जो सुनार होते हैं वो gold जो ornament जब बनाते हैं सोने के आभूषण बनाते हैं उनको shape देने के लिए वो क्या करते हैं direct the non-luminous part जो non-luminous part होता है flame का ये ठीक है उसको क्या करते हैं उसकी तरफ कर देते हैं सोने की तरफ कर देते हैं द टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट इज़ अराउंड थर्टीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और इस पार्ट का जो नॉन लुमिनियस पार्ट होता है उसका टेम्परेचर लगभग इतना होता है और वो फिर जो गोल्ड को पिघला देता है और उसको जो भी आपने जहाँ पे भी जो भी आपने शेप देनी है उसको स्पेसिफिक पॉइंट पर जो भी शेप देनी है वो उसमें मेल्ट हो जाता है गोल्ड दिस हेल्प दैम टू गिव प्रॉपर शेप टू द गोल्ड ऑर्नामेंट और इससे उस जो उनको हेल्प होती है कि जो गोल्ड ऑर्नामेंट हैं सोने के आभूषण ऑब उनको प्रॉपर शेप दे सकें नेक्स्ट है फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू ये क्या होता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीटली बर्निंग वन किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस की अमाउंट ऑफ कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर एक एक किलोग्राम वन किलोग्राम फ्यूल को प्योर ऑक्सीजन में अगर बर्न किया जाए जलाया जाए तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसी को ही हम क्या बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल बोलेंगे समझ गए एक किलोग्राम कोई फ्यूल है अगर उसको प्योर ऑक्सीजन में जलाया जाए <Hutchzon> तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल ए फ्यूल विच प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इज सेड टू हैव ए हायर कैलोरीफिक वैल्यू अगर कोई फ्यूल आ, एक किलोग्राम मतलब एक किलोग्राम फ्यूल जलाने से अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी यानी कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगी दिस द मोर द क्लोरिफिक वैल्यू द बेटर इज़ द एफिशेंसी ऑफ ए फ्यूल और जितनी ज़्यादा क्लोरिफिक वैल्यू होगी किसी फ्यूल की उस फ्यूल की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी यानी कि वो फ्यूल ज़्यादा अच्छा होगा ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे आप आपने ये लकड़ी जलाई और आपने जो घर में जो है वो एलपीजी गैस जलाई एक किलो मान लो लकड़ी जलाई और एक किलो एल जलाई ठीक है तो कौन ज़्यादा हीट देगा आप कहोगे कि जो एल है वो ज़्यादा हीट देगी ठीक है ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देगी एक किलो एल जलाने से मगर लकड़ी इतना नहीं देगी तो इसकी एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है इसलिए एल ज़्यादा अच्छा फ्यूल है कैलोरीफिक वैल्यू इज़ एक्सप्रेस इन किलो जूल्स पर किलोग्राम और इसकी यूनिट क्या है कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे दिखाएंगे हम किलो जूल पर किलोग्राम यानी कि एक किलोग्राम में कितने किलो जूल हमें कैलोरी मिली तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे किलो जूल पर किलोग्राम नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल गुड फ्यूल कोई अच्छा फ्यूल है तो उसके क्या क्या गुण होते हैं ए गुड फ्यूल शुड बी चीप रेडली अवेब अवेलेबल एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट जो गुड फ्यूल होगा वो क्या होगा सस्ता होगा आराम से वो मिल जाएगा अवेलेबल होगा और उसको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान होगा बी ईज़ी टू स्टोर उसको स्टोर करना उसका भंडारण करना आसान होगा हैवे हाई कैलोरेफिक वैल्यू उस फ्यूल की कलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होगी नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज आफ्टर बर्निंग जलाने के बाद वो हार्मफुल गैसेज नहीं देगा हानिकारक गैसे नहीं देगा हैव ए लो इग्निशन टेम्परेचर हाव एवर दिस शुड नाट बी बिलो और अराउंड द रूम टेम्परेचर उसका जो फ्यूल का जो अच्छा फ्यूल है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा मगर इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो रूम टेम्परेचर से नीचे हो या रूम टेम्परेचर के बराबर हो नहीं तो उसमें अपने आप ही आग लग जाएगी अगर रूम टेम्परेचर से भी उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होगा सिक्स है अंडर गो कम्प्लीट एंड कंट्रो कंट्रोलेबल कम कम्बशन जो अंडर गो कम्प्लीट जो उसका कम्बस्चन होगा वो बिल्कुल ही क्या होना चाहिए कम्प्लीट होना चाहिए जित जितना कम्प्लीट कम्बस्चन होगा जितना अच्छा कम्बस्शन होगा उतना हीट प्रोड्यूस वो करेगा और वो कंट्रोल में भी होना चाहिए अमंग द डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल्स फ्यूल्स इन द गैसियस स्टेट आर जनरली द बेस्ट कई तरह के आपने देखा है फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल हैं जैसे सॉलिड है लिक्विड है और गैसेस है इन तीनों में से गैसेस जो फ्यूल होता है उसको सबसे अच्छा माना जाता है दिस इज बिकॉज ऑफ द रीज़न लिस्टेड हेयर क्यों ऐसा माना जाता है गैसेस फ्यूल सबसे अच्छे होते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं ऐसा क्यों गैसेज फ्यूल आर सप्लाइड इन सिलेंडर और थ्रू पाइपलाइन हैंस दे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गेट लोअर जो गैसेज फ्यूल है उनको सिलेंडर में सप्लाई किया जा सकता है पाइपलाइन के थ्रू भेजा जा सकता है इसलिए जो उनको लाने ले जाने की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांस्पोर्टे, कॉस्ट कम होती है गैसियस फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो गैसियस फ्यूल होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बड़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करते हैं आल्सो डू नॉट लीव बिहाइंड एनी एस और सॉलिड रेजिड ऑन कंबसन और वो जलने के बाद कोई राख वगैरह या कोई सॉलिड ऐसी चीज़ वो नहीं छोड़ते गैसियस फ्यूल्स प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स जो गैसियस फ्यूल हैं वो जब जलाने पर क्या लीस्ट अमाउंट ऑफ हानिकार बहुत ही उसमें से कम हानिकारक गैसें निकलती हैं एज़ कम्पेयर टू जितनी सॉलिड और लिक्विड को जलाने से निकलती हैं उतनी उसमें नहीं निकलती फोर्थ है गैसियस फ्यूल्स कैन बी ईजिली इग्नाइटेड इवन विद ए स्मॉल स्पार्क जो गैसियस फ्यूल है उसको आसानी से जलाया जा सकता है ठीक है उसमें ठीक है छोटी सी चिंगारी से ही उसको जलाया जा सकता है जैसे आप घरों में एल पी जी को जलाते हो एक माचिस जला कर माचिस की तीली दिखा कर ही आप उसको जला सकते हो देयर रेट ऑफ कंबसचन कैन आल्सो भी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वाल्व और उनकी जो कंबस्टन की रेट है उसको भी आप मतलब उसके जलने को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो कंट्रोल कर सकते हो वाल्व की हेल्प से ठीक है वाल्व ज़्यादा खोल दोगे तो वो तेज़ी से जलेगा वाल्व कम खोलोगे तो वो आराम से जलेगा तो कंट्रोल भी आप कर सकते हो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ फ्यूल जो फ्यूल है उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है क्या हानि पहुँचाता है ये इनक्रीज फ्यूल कंजप्शन है हैज़ लेड टू हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग वे क्या क्या है नुकसान इसके फ्यूल लाइक वुड कॉल पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिलीज अनब्रांड कार्बन पार्टिकल जैसे कि वुड है कॉल है पेट्रोलियम है अगर इनको जब जलाया जाता है तो ये इनको जलाने से अनब्रांड कार्बन पार्टिकल एटमोसफीर में आ जाते हैं दीज कार्बन पार्टिकल ऑफ स्मोक दीज कार्बन पार्टिकल ऑफ स्मोक और ऐश गैट सस्पेंडेड इन द एयर और ये हवा में आ जाते हैं कार्बन पार्टिकल स्मोक के या एश के एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दीज पार्टिकल इन द एयर कॉजिज़ ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ये जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है ऐसे पार्टिकल की एयर में तो इसके कारण सांस से संबंधित बीमारियाँ होती हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती हैं इन विंटर दीज पार्टिकल प्रोड्यूस स्मोक विच इज़ वेरी हार्मुल टू प्लांट एज वेल एज एनिमल और सर्दियों के सीज़न में ये जो पार्टिकल होते हैं ये स्मोक प्रोड्यूस करते हैं ठीक है जब धुआं जब धुंध के साथ ये मिल जाते हैं पार्टिकल तो स्मोक वो बन जाता है तो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं और ये स्मोक सबके लिए हानिकारक है प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी सेकंड है इनकम्प्लीट कम्ब ऑफ कार्बन फ्यूल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पूरा कंप्लीट कंबस्चन ना हो तो क्या होती है तो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस ये बहुत जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम लार्ज अमाउंट ऑफ इट कैन प्रूव फैटल और थोड़ी सी मात्रा ही अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की एयर में आ जाए तो उससे सांस से संबंधित दिक्कत होती है ठीक है सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है और अगर ये ज़्यादा मात्रा आ जाए इसकी हवा में तो ये घातक भी हो सकती है यानी कि जानलेवा भी ये हो सकती है थर्ड है कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट जो जो फ्यूल होता है इसके कारण जब इनको जलाया जाता है फ्यूल को तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट में आ जाती है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर कैन ट्रैप हीट एनर्जी विच कैन रेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ अगर कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेती है रोक लेती है जो अर्थ एनर्जी छोड़ती है उसको रोक लेती है यानी कि अर्थ के एटमोसफियर से फिर वो एनर्जी बाहर नहीं जा पाती इसका इससे क्या होता है हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है इंक्रीज हो जाता है दिस इज़ टर्म एज़ ग्लोबल वार्मिंग और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं आपने पढ़ भी रखा होगा इसके बारे में दिस कैन रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स विच इन टर्न कैन लीड टू ए राइज इन दी लेवल कोजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरिया और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है अर्थ का अगर टेम्परेचर बढ़ जाए दो तो फिर जो उसके ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जो पोलर रीजन है वहाँ पे जो बर्फ़ है ग्लेशियर है वो पिघल जाती है और फिर पिघल कर वो समुद्र में आती है और जो कोस्टल एरिया हैं जो यानी कि समुद्र के इलाके के जो एरिया हैं वो फिर वाटर लेवल समुद्र का बढ़ जाता है और वो पानी फिर उन कोस्टल एरिया में घुस जाता है ठीक है जिसके कारण कोस्टल एरियाज़ में समुद्र के जो किनारे जो एरिया है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है फोर्थ है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज़ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर कोल को या डीजल को जलाया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग गैस ये एक सफ़ोकेटिंग गैस है इससे दम घुटता है इट आल्सो डिजोल्व इन वाटर वेपर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड और ये अगर वाटर वेपर के साथ मिल जाए ये सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फ्यूरिक एसिड वो बनाती है वैन इट रेंज दैन इट रेंज द एसिड द प्रोड्यूस्ड कैन डैमेज बिल्डिंग्स प्लांट्स एंड ट्रीज और जब मतलब बरसात होती है तो इस एसिड के कारण यानी कि जो एसिड है वो पानी के साथ मिल जाता है जब बरसात होती है तो क्या होता है या फिर इसके कारण डैमेज हो जाती है बिल्डिंग डैमेज हो सकती है प्लांट्स और ट्रीज़ उनपे बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन एसिड रेन को क्या बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या पानी वाटर वेपर के साथ मिल मिल जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड जब आ, मतलब बरसात होती है तो नीचे आता है तो ऐसी रेन को हम क्या बोलेंगे एसिड रेन बोलेंगे द यूज़ ऑफ डीज़ल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इज़ इन ऑटोमोबिल्स इज़ बींग रिप्लेस बाई सी एन जी जो गाड़ियों में ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल और डीजल की जगह अब किसका प्रयोग किया जा रहा है सी का प्रयोग किया जा रहा है कंप्रेस नेचुरल गैस का दिस इज़ बिकॉज सी एन जी प्रोड्यूस लेस हार्मफुल प्रोडक्ट एंड इज देर फॉर ए मोर इको फ्रेंडली एंड क्लीनर फ्यूल ऐसा इसलिए क्यों जा, किया जा रहा है क्योंकि जो सी एन जी है वो लेस हार्मफुल प्रोडक्ट है उससे मतलब हानि कम होती है ये हानिकारक गैसें नहीं छोड़ती कोई ऐसा प्रदूषण बहुत कम करती है इसलिए ये ज़्यादा इको फ्रेंडली है और ये ज़्यादा क्लीनर फ्यूल है ये ज़्यादा साफ फ्यूल है किससे डीजल से और पेट्रोल से इसलिए हम सी एन जी आजकल गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल की जगह सी एन जी का प्रयोग कर रहे हैं ठीक है तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार